चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो केवल ग्रामीण परिवेश होते हुए भी जिले की शान कहलाते हैं। एक ऐसा ही गांव आज मुझे जिला मुख्यालय बिजनौर से 51 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हाजी मोहम्मदपुर उर्फ कोटकादर खींच लाया। कोतवाली विकास क्षेत्र एवं नगीना तहसील क्षेत्र में सम्मिलित यह गांव वर्तमान में 12,000 की विशाल जनसंख्या के साथ जिले का तीसरा सबसे बड़ा गांव है। कोटकादर नगीना को उत्तराखंड के कोटद्वार शहर से जोड़ने वाले राजमार्ग पर नगीना से 18 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। इसकी विशालता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है, यह नगीना देहात थाना क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या वाला स्थान है। कोटकादर के मध्य में मुख्य बाजार भी स्थापित है। यहाँ जरूरत के सभी सामानों की दुकानें उपलब्ध हैं। कोटकादर में छोटे शहरों जैसी सभी सुविधाएं होने के कारण इसे सामान्यतः कस्बा कोटकादर कहकर ही संबोधित किया जाता है। कोटकादर के मध्य में स्थित जामा मस्जिद एवं जामा मस्जिद चौराहा, यहाँ बृहस्पतिवार के दिन साप्ताहिक पैंट का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारी भीड़ एकत्रित होती है। इस बाजार में कोटकादर एवं आसपास के ग्रामीण भारी मात्रा में एकत्रित होते हैं। कोटकादर के पश्चिमी छोर पर स्थापित हिलाल मस्जिद, इसी मस्जिद के निकट एक सुंदर तालाब भी दिखाई पड़ता है। मुख्य बाजार के निकट स्थापित पुराना शिव मंदिर, कोटकादर का सबसे प्रमुख स्थान, बस स्टैंड चौराहा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। कोटकादर का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों और प्रियजनों को जरूर शेयर करें जो कोटकादर एवं इसके आसपास के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक मैं ध्रुव वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।